रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस और अमेरिका के रिश्ते अभी तक के अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं और मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि रूस और अमेरिका के बीच एक बार फिर से शीत युद्ध का दौर वापस आ चुका है। लेकिन इस बार सारे समीकरण बिल्कुल अलग ही नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां अमेरिका से कुछ ही किलोमीटर दूर क्यूबा के तट पर रूस की परमाणु पनडुब्बी ने डेरा डाला, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी जर्मनी के भीतर अपने पारंपरिक परमाणु हथियार तैनात कर रहा है और अमेरिका के इस कदम से रूस बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है। और यही वजह है कि रूस के डिप्टी विदेश मंत्री सर्गेई रैबकोव ने कहा कि अमेरिका के इस कदम के जवाब में रूस भी अपने परमाणु हथियार तैनात कर सकता है और इन्हें कैलिनग्राड इलाके में तैनात किया जा सकता है, जो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच का इलाका है। ये इलाका रूस की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने जर्मनी में 2026 से परमाणु हथियार SM-6, टॉमहॉक और नई हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने का ऐलान किया था। ये ऐलान नेटो और यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए किया गया था और इससे पहले पिछले महीने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि वो कम और लंबी दूरी वाली मिसाइलों का उत्पादन दोबारा शुरू करेंगे और ये तय करेंगे कि उन्हें कहां पर तैनात करना है। यहां पर आपको ये भी बता दें कि रूस के ज्यादा मिसाइल सिस्टम पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। वहीं रूसी विदेश मंत्री का कहना है कि रूस अमेरिका के इस कदम का सबसे प्रभावी जवाब देने के लिए सबसे व्यापक संभव विकल्पों में से चुनाव करेगा, जिसमें लागत के मामले भी शामिल हैं। रूस का सबसे पश्चिमी हिस्सा कैलिनग्राड, जो इसके बाकी भूभाग से कटा हुआ है, लंबे समय से हमारे विरोधियों का ध्यान आकर्षित करता रहा है। कैलिनग्राड इस मामले में अपवाद नहीं है कि हम उन लोगों को पीछे धकेलने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए 100% दृढ़ संकल्प हैं, जो आक्रामक योजना बना सकते हैं और जो हमें कुछ ऐसे कदम उठाने के लिए उकसाने की कोशिश करते हैं जो किसी के लिए भी गलत है। आपको बता दें कि रूस और अमेरिका जिन मिसाइलों को तैनात करने पर विचार कर रहे हैं वो मध्यम दूरी के जमीनी हथियार हैं, जिन पर 1987 की अमेरिका सोवियत संधि के तहत बैन लगा था, लेकिन 2019 में अमेरिका ने इस समझौते से खुद को पीछे खींच लिया था और रूस पर संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि नियोजित तैनाती हथियारों की दौड़ का हिस्सा है, जो यूक्रेन में युद्ध को लेकर तीव्र तनाव के समय पहले से ही खतरों की संभावनाओं को और ज्यादा हवा देगा। This one comes a day before leaders of NATO countries